नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वशीकरण के इस चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कैसे आप अपने पति को अपने वश में कर सकते हैं मात्र कुछ मिनटों के अंदर अंदर ही। अगर आपके पति या आपके प्रेमी आपसे बिल्कुल सही ढंग से बात नहीं करते, उन्हें आपके मन की बात नहीं समझ में आती है, तो आप उन्हें अपने वश में कर सकती हैं, जिससे कि वो तुरंत आपके वश में आ जाएंगे और उसके बाद आप उन्हें जो भी कहेंगी वो करने के लिए तैयार होंगे। तो इसके लिए जिन चीजों का इस्तेमाल आपको करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको जो चीज लेनी है वो लेना है एक कपड़े का गुड्डा। कपड़े का गुड्डा ले लें और उसके बाद उसे अपने सामने रखें। उसके बाद आपको अपने पति का एक बाल चाहिए होगा, तो अपने पति का जो बाल है उसे आप इस तरीके से गुड्डे के ऊपर बांध दीजिए, या तो चिपका दीजिए या फिर ऐसे रख दीजिए बस। इसके बाद आपको अपने पति के नाम से एक मंत्र का उच्चारण करना होगा। मंत्र है ओम गौरी शंकराधीशे यथा त्वम शंकर प्रियाम तथा माम कुरु कल्याणी कांता सदुर्लभ। इस तरह से आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है और उसके बाद इस गुड्डे के ऊपर आपको फूंकना है। मंत्र मैं आपको लिख के भी बता दूंगी जिससे कि आपको आसानी रहेगी इसे करने में, लेकिन सबसे पहले आपको मैं पूरा तरीका बताती हूँ इसे करने का, वो कैसे करना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट भी मिलते रहेंगे। तो आपको सबसे पहले कागज पर बना लेना है इस तरह से एक चौकोर सा, चौकोर डब्बा बनाने से के ठीक बाद आप इस तरह से सर्कल भी बना लीजिए। आप वैसे भी बना सकते हैं कि पहले सर्कल बना के बाद में आपने ये बना दिया। अब आप इसे बीच में से एक लाइन ऐसे डालिए और इधर से एक लाइन ऐसे डालिए। यहाँ पर जो जगह है यहाँ पर आपको लिखना है ओम 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 ओम, और अंदर आपको लिखना है गौरी माँ। यहाँ पे गौरी, यहाँ पे माँ, इस तरह से लिखना है। और उसके बाद आपको ये जो गुड्डा मैंने बताया था, कपड़े का गुड्डा, आप घर पे भी बना ले सकते हैं इसे, इसे बनाकर और अपने पति का या जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं उनका बाल, आपको इस तरह से बाल लेना है और उसके बाद वहाँ पर ऐसे रख देना है गुड्डे के ऊपर। अब इस गुड्डे के ऊपर आप जो आप सिंदूर लगाती हैं अपना घर में, वो सिंदूर लेना है और उसके बाद उस सिंदूर को थोड़ा सा अपनी रिंग फिंगर यानी जिसमें आप अंगूठी पहनती हैं उस उंगली से निकाल कर इस तरह से उसमें से निकाल लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर इसके यहाँ सिर पर ऐसे यूँ लगा देना है। इसके बाद आपको मंत्रों का उच्चारण करना है, जो मैंने आपको मंत्र बताया ओम गौरी शंकराधीशे यथा त्वम शंकर प्रियाम तथा माँ कुरु कल्याणी कांता सदुर्लभाम। इस मंत्र का उच्चारण करना है और उसके बाद इस गुड्डे को यहीं पे रखे रहने देना है। बाद में जब आप 108 बार मंत्र का उच्चारण कर चुकी होंगी तो इस कागज को आपको इस गुड्डे के ऊपर इस तरह से लपेट देना है। पूरी तरह से लपेटने के बाद आपको ये ले जाना है और अपने घर में किसी भी ऐसी जगह पर रख देना है जहां पर कि कोई भी ना हो, कोई भी इसको देखने ना पाए, और आपको ये गुड्डा कागज के साथ साथ ही ऐसे रख देना है। और बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे कोई देखने ना पाए, ऐसी जगह पर आपको इसे रखना है। उसके बाद आप देखेंगी कि आपके पति का व्यवहार एकदम बदल जाएगा, आपके पति आपसे बेइंतहा प्यार करने लग जाएंगे, आपकी हर बात मानने लग जाएंगे। आप इस उपाय को कीजिए दोस्तों। अगर कोई सवाल है आपका तो आप हमें कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।